Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you all safe and sound in your homes. Dear students, our today's topic is story, the fox and the grapes. डियर स्टूडेंट्स, आपने शायद ये स्टोरी पहले पढ़ी हो कि एक लोमड़ी और अंगूर, यानी कि अंगूर खट्टे हैं, आपने यकीनन पढ़ी होगी स्टोरी। तो अंगूर खट्टे हैं, द फॉक्स एंड द ग्रेप, यानी कि एक लोमड़ी और एक और अंगूर, अंगूरों का गुच्छा। होता क्या कि एक दफ़ा का जिक्र है कि जो लोमड़ी है वो, उसको भूख लग रही होती है, वो इधर उधर घूमती है, तलाश करती है खाना कि उसको मिल जाए कुछ, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते जब वो एक बाग में पहुंचती, देखती एक दरख्त के ऊपर बड़े खूबसूरत से अंगूरों के गुच्छे लटक रहे हैं। उसके मुंह में पानी भर आता है तो वो कहती है चलो क्यों ना यही खाया जाए। वो उछलना शुरू कर देती है कि मैं इन अंगूरों को जो ना खा लूँ, लेकिन वो इतनी दफ़ा उछलती है, बार बार उछलती है, लेकिन वो अंगूरों तक पहुँच नहीं पाती। आखिरकार वो थक के बैठ जाती है, और फिर वो ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है, ग्रेप्स आर सोर, अंगूर तो खट्टे हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जब इंसान खुद नाकाम हो जाता है, वो किसी चीज़ को हासिल नहीं कर पाता, तो वो अपनी गलती या अपनी नाकामी को एक्सेप्ट करने की बजाय दूसरी चीज़ के ऊपर ब्लेम डालता है कि वो चीज़ ही इस काबिल नहीं थी कि हम उसको खाते। ठीक है, अब जैसे कि लोमड़ी है, अंगूर खाना चाहती थी, लेकिन वो बारह कोशिश के बावजूद भी अंगूर तक नहीं पहुँच सकती। तो आखिरकार अपनी नाकामी को उसने फिर भी एक्सेप्ट नहीं किया, उसने कहा कि जी अंगूर ही खट्टे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत मॉरल लेसन है कि हम अपनी नाकामी जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते और उसका कोई बहाना ढूंढते हैं उसके मुताबिक। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टोरी करने के लिए अपनी इंग्लिश बी की नोटबुक ओपन करें। I have already prepared a story for you. Look, dear students, first of all draw margin line on both pages, two pages. इस तरीके से आपने दोनों pages पे margin line लगा लेनी है। And write also date and day on top of the page. Also write classwork. And then write topic, TOPIC topic. इसको underline करें। उसके बाद है स्टोरी, हमारा टॉपिक क्या है, स्टोरी, टॉपिक है हमारा स्टोरी, इसको अंडरलाइन करें। उसके बाद है द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, यानी के अंगूर खट्टे हैं, सॉरी फॉक्स एंड द ग्रेप्स, लोमड़ी और अंगूर। हमारा टॉपिक है स्टोरी, हमारा बेसिक टॉपिक है स्टोरी, नीचे स्टोरी का नाम आएगा। टॉपिक क्या है हमारा, स्टोरी, अब नीचे स्टोरी का नाम आएगा द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। चलें बच्चों हम इसको स्टार्ट करते हैं। वंस अ हंग्री फॉक्स सॉ अ बंच ऑफ ग्रेप्स इन अ गार्डन। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक भूखी लोमड़ी ने एक बाग में अंगूरों का गुच्छा लटकते हुए देखा। मैं स्पेलिंग पढ़ देती हूँ ताकि अगर आपको स्क्रीन में देखने में कोई मसला आ रहा हो तो आप वॉइस को फोकस कर सकें। O-N-C-E once, I repeat, O-N-C-E once, a hungry, H-U-N-G-R-Y, H-U-N-G-R-Y, hungry, F-O-X, fox, S-A-W, saw, S-A-W, saw। बच्चों मैं दो दो दफ़ा रिपीट कर रही हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से फोकस कर सकें। saw a bunch, bunch कहते हैं गुच्छे को, B-U-N-C-H, bunch, B-U-N-C-H, bunch, bunch of grapes, G-R-A-P-E-S, grapes, in a garden, G-A-R-D-E-N, garden, G-A-R-D-E-N, garden, once a hungry fox saw a bunch of grapes in a garden। एक दफा का जिक्र है कि एक भूखी लोमड़ी जो है वो उसने बाग में अंगूरों का गुच्छा देखा। He was very happy. वो बहुत खुश हुई। H-E-E, W-A-S, was, V-E-R-Y, very,
HAPPY हैप्पी, HAPPY हैप्पी, ही वॉज वेरी हैप्पी, ही जम्प्ड अगेन एंड अगेन टू गेट बट ऑल इन वेन, फुल स्टॉप, ही जम्प्ड वो उछली अगेन एंड अगेन बार बार टू गेट हासिल करने के लिए उसको बट लेकिन ऑल इन वेन लेकिन तमाम कोशिशें बेकार रहीं। एच ई ही जे यू एम पी ई डी जम्प्ड, जे यू एम पी ई डी जम्प्ड उछलना, ए जी ए आई एन अगेन, ए जी ए आई एन अगेन, ही जम्प्ड अगेन एंड अगेन, ए एन डी एंड अगेन, ए जी ए आई एन अगेन, ही जम्प्ड अगेन एंड अगेन, ए जी ए आई एन अगेन, ए जी ए आई एन अगेन, ही जम्प्ड अगेन एंड अगेन टू गेट, जी ई टी गेट, बी यू टी बट, ए डबल एल ऑल, ए डबल एल ऑल, इन आई एन इन, वी ए आई एन वेन, बट ऑल इन वेन, ही जम्प्ड अगेन एंड अगेन टू गेट बट ऑल इन वेन, once a hungry fox saw a bunch of grapes in a garden, he was very happy, he jumped again and again to get but all in vain. Next page pe aa jaye. At last he got very tired, aakhirkar wo bahut zyada thak gaye uchal uchal ke koshish kar kar ke, at last, at last he got, G-O-T, got, at last he got very tired, V-E-R-Y, very, T-I-R-E-D, tired, at last he got very tired, आखिरकार वो बहुत ज़्यादा थक गए, he went away saying that the grapes are sour, वो ये कहते हुए चल दी के अंगूर खट्टे हैं, एच ई ही डब्ल्यू ई एन टी वेंट, डब्ल्यू ई एन टी वेंट, ही वेंट, ए डब्ल्यू ए वाई अवे, ए डब्ल्यू ए वाई अवे, ही वेंट अवे, सेंग एस ए वाई आई एन जी, सेंग एस ए वाई आई एन जी, सेंग दैट, टी एच ए टी दैट, टी एच ए टी दैट, ही वेंट अवे सेंग दैट द ग्रेप्स आर सोर, जी आर ए पी ई एस ग्रेप्स, जी आर ए पी ई एस ग्रेप्स आर सोर, एस ओ यू आर सोर, द ग्रेप्स आर सोर, ही वेंट अवे सेइंग दैट द ग्रेप्स आर सोर, वो ये कहते हुए चल दी के अंगूर खट्टे हैं, एम ओ आर ए एल मॉरल नतीजा, ग्रेप्स आर सोर, जी आर ए पी ई एस ग्रेप्स, ए आर ई आर एस ओ यू आर ई सोर, एस ओ यू आर सोर, एस ओ यू आर सॉर, यानी कि खट्टे, अंगूर खट्टे हैं। हमारी स्टोरी मुकम्मल होगी, हम एक दफ़ा इसको रिपीट कर लेते हैं, मैं आपको दोबारा बताती चलो, हमने दोनों पेजेस पे मार्जिन लाइन लगानी है, डेट एंड डे आज की लगानी है और क्लास वर्क मेंशन करना है, उसके बाद आपने अपना टॉपिक मेंशन करना है, स्टोरी, स्टोरी का नाम लिखना है, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, और इन चारों को आपने अंडरलाइन कर देना है। वंस अ हंग्री फॉक्स सॉ अ बंच ऑफ ग्रेप्स इन अ गार्डन, ही वॉज वेरी हैप्पी, he jumped again and again to get but all in vain, at last he got very tired, wo bahut zyada thak gayi, he went away saying that the grapes are sour, moral the grapes are sour. Dear students, our story has completed, aapne ye story likhni bhi hai aur yaad bhi karni hai, iska ek ek spelling आपने अलग अलग से याद करना है, हर स्पेलिंग याद करना है, जब भी कोई चीज़ आप लेसन है, एप्लीकेशन है, लेटर है, कुछ भी ऐसे वगैरह, जब आप उसको याद कर लेते हैं अच्छे तरीके से, जहन नशीन कर लेते हैं, तो हमेशा वो आपको फ़ायदा देती है, आपका क्लास टेस्ट हो, चाहे आपके पेपर्स हों, चाहे आपके मंथली टेस्ट हों, हमेशा आपके लिए हेल्पफुल साबित होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने टाइम आपने वेस्ट नहीं करना, आपने अपनी स्टोरी लिखनी है नीट एंड क्लीन, और ज़ुबानी याद करनी है, याद करने के बाद अपने किसी साथी को, अपने भाई को, बहन को सुनाएं, और उसके बाद उसको ज़ुबानी लिखें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।